इस नई वीडियो में मैं दोस्तों आपको सिंपली इलेक्ट्रिक गीजर को यूज़ करना सिखाऊंगा। अगर आपके घर में इलेक्ट्रिक गीजर लगा है या आप लगवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपके घर में ऐसा गीजर वो फिट हो जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों हमारे एक बाल लगा होता है यहाँ पे, इस बाल को दोस्तों अपने ओपन रखना है, बंद नहीं करना, ये बाल हमेशा ओपन रहता है। और दूसरा दोस्तों यहाँ पे नीचे हमारी टैब लगी है, ये गीज़र वाली टाइप है जिसमें गर्म पानी आता है। तो इसको दोस्तों यूज़ करने से पहले आपने ये हमारे पे स्विच लगी है यहाँ पे गीज़र की, तो 15-20 मिनट नहाने से पहले आपने स्विच को ऑन कर देना है। ये हमने ऑन कर दिया तो आप देख सकते हैं इस पर लाइट चलनी शुरू हो गई है, ये दोनों लाइट जल रही है, इसका थोड़ी लाइट कम है, दोनों लाइट जल रही है इस समय। जब दोस्तों ये गीज़र पूरा गर्म हो जाएगा तो इसकी जो ग्रीन वाली लाइट है ये बंद हो जाएगी। किसी किसी में दोस्तों गीज़र में ये लाइट गर्म होने के बाद चलती है, किसी में गर्म होने के बाद बंद हो जाती है, तो ये अलग अलग तरीके से हो सकती है। तो सिंपली आपने इसको बस ऑन कर देना, उसके बाद 15-20 मिनट बाद आपका पानी पूरा गर्म हो जाएगा और आप टैप को खोलोगे तो पानी को आप यूज़ में ले सकते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों के जैसे गीज़र ऑन है तो आप इसमें पानी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों आप पानी ले सकते हैं, इसमें कोई भी करंट वगैरह आपको नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं गीज़र ऑन है और आप कोई भी करंट वगैरह इसमें नहीं लगता। तो अगर आप ये गीज़र लगवाना चाहते हो तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप गीज़र को परचेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों इसके साथ ही अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।